कुछ बाकी रह गया क्या? तुमको समझाना बाकी रह गया, अभी समझ नहीं पाया। यहाँ जो हमारे आपके विषय में, यानी आपके हमारे बीच जो बात हुई, इस बात को हमारे घर में हमारे पापा के आगे कुछ मत कहना। हमें क्या लेना देना है? हाँ, तुम्हें क्या लेने देना है? तुमको तो सिर्फ नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए, साथ में छोकरी चाहिए। अरे जब नौकरी मिल गई तो छोकरी भी मिल। चलो मुंशी रामदयाल जी। सेठ जी, काफी समय बीत गया। हाँ सेठ जी, लेकिन हमारी बिटिया हाँ। अभी चमन से वापस नहीं आई। अरे सेठ जी, अरे आओ आओ बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आ और राम से ये कौन है? घर के अंदर कैसे आ गया? चल बाहर, अंदर किसने घुसने दिया तुझे? घर के अंदर घुस गया है। कौन है? पागल आ जाते हैं। नहीं 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 पापा, ये कोई पागल नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ ये कौन है या कौन नहीं है। बोलो ये कौन है? सुनो पापा, मैं सब कुछ तुम्हें बताती हूँ। अरे पिताजी मुसा सहेलियों के साथ चक्के चमन की सैर कर रही थी, लेकिन मैं क्या अपनी नजरों से उस चमन में देखती हूँ कि ये मुसाफिर भूख और प्यास से तड़प रहा था और इसका दुख मुझसे देखा नहीं गया। मैंने सोचा अपने घर आप तुम्हारे पास ले चलूंगी और आप अपने शरण में जगह देंगे। बेटी रूपावती, क्या बात है, थोड़ा तुम साइड हो जाओ। लेकिन पापा इनको नौकरी मिलने कुछ चाहिए। नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, साइड हो जाओ। शेर जी, तेरी जान समझ के आदमी रखियो, नहीं पता लगे लोटिया थरिया लेके चला जा। तो मुझे बेवकूफ समझता है क्या? ओए लड़के इधर आ। क्या नाम है तेरा? मैं पूछता हूँ क्या नाम है तेरा? मुझे श्यामू कहते हैं। श्यामू कहते हैं, नाम तो अच्छा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं। इसे भी पिला देना अगर पीते हो। इतना समझाता हूँ, मरने से बचते हो, गांजा दारू नहीं बंद करते हो। ये तो कहो सुधर गए, नहीं तो बैठान ले लिए थे बेटा। और कहाँ के रहने वाले हो?
चंद्रनगर। चंद्रनगर यहाँ कैसे आए और किस काम से आए? मुझे एक रोटी का सहारा चाहिए। रोटी का सहारा चाहिए, बताओ पढ़े लिखे हो? कितना पढ़े लिखे हो? इंटर। अरे पापा बहुत अच्छी बातें करता है इंसान। अरे मुझे जानकारी तो कर ले रहे, तू पीछे हट, पीछे हट। इंटर कर रहे हो? चलो राम से, तुम्हारे ख्याल से नौजवान कैसा लग रहा है? वैसे तो बहुत सीधा साधा और भोला भाला लग रहा है। भोला भाला लग रहा है। इसके पास कोई नशा भी नहीं है। और मुंशी रामदयाल। हाँ सेठ जी, मुझे भी एक नौकर की भी जरूरत है। हाँ सेठ जी, हरिद्वार हम लोग जाते हैं, माल सप्लाई करते हैं, अकेले हम भी परेशान हो जाते हैं, सेठ जी आप भी परेशान हो जाते हैं। मुंशी रामदयाल थोड़ा साइड हो जाओ। ठीक सेठ जी। और नौजवान सामने आओ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और हमारी बात को गौर से सुनो। अरे तुम्हें देख कर दिल हुआ खुश हमारा, एहसान और ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे अदा शुक्रिया किसी और जो बात करो, और ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा बेटा। अल्लाह शोक से बेटा घर पे हमारे, बेटा रहो शोक से बेटा
ये हमारी बात। एहसान और ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। परेशान मत हो, आज के बाद तुम हमारे घर पे रहोगे और हमारे साथ रहोगे और मेरा हरिद्वार में बहुत बड़ा व्यापार चलता है। अगर तुम हमारे साथ रहोगे और कोई धंधा करोगे तो धंधा तो बेटा अंधा होता है, एक न एक दिन तुम बहुत बड़े इंसान बन जाओगे। इसलिए बेटा मैं जा रहा हूँ बाजार, और बेटी रूपावती इधर आओ। मैं बाजार जा रहा हूँ और इस नौजवान को ले जाओ, पहले इसके अच्छे से नहाने की व्यवस्था कर देना, बता देना कहाँ पे क्या है, और उसके बाद भोजन पानी करा देना, ठीक है। मैं बाजार से लौट कर आ रहा हूँ, ठीक। बोल से रामदाल हमारे साथ है। राम सिंह चलिए अब हमें और तुम्हें दद्दा के साथ हरिद्वार चलना है, इसलिए आइए हमारे साथ चलो। हमारे पापा ने तुम्हें अपने घर में नौकरी दे दिया और मुझे भूल गए आप पल भरे में। घर में नौकरी दे दी? मैंने आपको अपने घर लाई हूँ। लाई है। नौकरी मिल गई? नौकरी मिल गई तो हरिद्वार जा रहा। हरिद्वार जाने से पहले पहले वहाँ स्नान करूँगा। स्नान तो मैं अपने घर में करवाऊंगी, लेकिन इनसे कुछ बात करूंगी। मौसी जी। हाँ बुआ। बुआ? अरे हाँ, शेर जी किया नहीं तो बाबा कहे थे उनका, तो बुआ तो आप भाई बे भाई। तुम भी मौका देख के चौका मारते हो। चौका नहीं तो वो कबो छक्को लाग जाते। सुनो मेरी बात तुम। हाँ मुंशी जी, आप भी हमारे पापा के साथ जाओगे? हाँ सही बात है। और मैं जानती हूँ, हाँ जब तुम हमारे घर पे रहते तो चार बार भोजन करते हो। अरे आप तो खुद ही जानते हो, रास्ते के लिए तो आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ रास्ते के लिए बता दो, मैं तुम्हारे के लिए बना के पैक कर दूँ। बताओ वही बड़ा बना के वही माठम फूले दियो। बड़ा? हाँ ये कैसे क्या है? अरे बड़ा बहुत अच्छी चीज है। ये कैसे होता, कैसे बनता? इसका जैसे दाल भिगा दियो, भिगो दिया उड़द के चाहे मूंग के, ठीक है, और भिगावे की बात फिर वैसा ऐसे ऐसे मल के धो डालो, ठीक है। जब वो साफ हो जाए तो सिलबट्टा में ढक के गचर गचर पीस डालो। हाँ और पीस के डाल, जब वो इकट्ठा हो जाए तो वैसा गोल गोल बनाओ और फिर वही मच्छाद बना दियो। उनका छेदहे कहा थे। अच्छा ठीक है, मैं पैक कर दूंगी। हाँ और माठम फूले दियो। ठीक है फुला दूंगी। हम जाए जाए बाजार जाकर सब्जी खरीदवाओगे, एक दही कही नहीं तो भी जाए। अरे भगवान अब काम पहले समझ लेवा करो, फिर गुस्सावा करो। हमेशा उल्टी सीधी बात किया करते हो तुम। उल्टा सीधा नहीं, रोज रोज पहले ही करके जाए थे और आज न करो तो फिर कहो दूसरे कल नहीं जाए। इसके मतलब पहलगी की बात कर रहे हैं। औका हुआ कहीं ले, औका है ना कहल हम। आप जल्दी से करवा आशीर्वाद ले जाओ। जली मोरी बुआ खुश रहो। श्यामू जी क्या है, आज आप हमारे पापा के साथ
हरिद्वार जाएंगे, लेकिन वहां जाने के बाद इस रूपावती को आप अपने दिल से नहीं भूल जाना। आप कैसे भूल सकता हूँ? नहीं भूलोगे? कैसे भूल सकता हूँ? मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दूं,